क्या रॉबिन गॉड ने अभी रौनक को, ये देखिए AWM का करारा चाटा और रौनक एंड ओवेज यहाँ से गेम से बाहर हो चुके हैं। दो प्लेयर इंस्टेंटली शट डाउन हुए हैं, दो किल्स में यहाँ पे फनाटिक, फनाटिक को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, को जेएसएल रुकने का नाम नहीं ले लिया। और वहीं पे एस्टेक के बाद 10 किल्स है। भाई कौन है ये टीम, ये अभी तक कहाँ छुपे थे भाई? पीएमसीओ में जो धमाका मचा रहा है, ट्रस्ट में अगर पहले आते तो क्या गजब ढारो के होते। 14 points 10 points कौन निकाल रहा है? एक नई अंडरडॉग टीम निकाल रही है। ट्रस्ट मी, ये लोग एक अलग ही लेवल पे पहुंचेंगे, और जो मेहनत ग्राइंड इनकी दिख रही है मजाक की बात नहीं है। स्काउट यहाँ पे जॉन का किल स्टील करने की कोशिश कर रहे थे, स्पाइडी अभी भी अपहेल है। स्काउट के ऊपर यहाँ पे एक लोटस ग्रेनेड ट्राई कर सकते हैं वो लोग, बट फनाटिक यहाँ पे वापस से पोजीशन एटलीस्ट लेके जाते हुए। दलजीत ने यहाँ पे डाउन से अपहेल नॉकडाउन करा स्पाइडी को। अब स्काउट को मेरे ख्याल से आइडिया हो गया, ऊपर एस्टेक की एक स्क्वाड थी एंड वहां पे वो लोग नॉकडाउन हुए, एक प्लेयर नॉकडाउन हुआ। यहाँ पे स्काउट ने बहुत प्यारी तरीके से किल फीड रीड करी, बट वहां पे वो गन फाइट में हारते हुए वहां पे, एंड बहुत प्यारा वहां से कवर फायर आया था आरबी नॉट ओपी का, एश आता हुआ वहां पे फाइनल बंदा यहाँ पे फनाटिक का। अब देखते हैं कैसी वाली फाइट निकलती है। माइक्रोज यहाँ पे रिलोड पे गई, दोनों प्लेयर नॉकडाउन, एश यहाँ पे दो किल और कंफर्म करेंगे टीम फनाटिक के लिए। एस्टेक ईस्पोर्ट के लिए पीछे से और कवर फायर आता हुआ, बिकॉज उनके सिर्फ दो प्लेयर नॉकडाउन होते, सेटन एंड किल्सम यहाँ पे दोनों एश के ऊपर यहाँ पे चढ़ के बैठेंगे, बिकॉज वन वर्सेस टू करना यहाँ पे मुश्किल है। बट एश ने एक प्लेयर और नॉकडाउन कर दिया था, बट पीछे से कवर फायर आया था यहाँ पे एस्टेक के आरजी नॉट ओपी का। अब दलजीत होल्ड करे, दलजीत अकेले सर्वाइवर है इस टीम के, एंड यस ही कैन पुल इट ऑफ। कॉज अब ये देखिए वो बच रहे थे ओआरबी से और वहां से फायदा उठा एस्टेक ने, एस्टेक ने भी किल निकाली है। आई कैन बिलीव दिस थिंग कि भाई यहाँ पर एक टीम 16 points लेके बैठी हुई है, जेएसएल जो अभी बाहर हुई है थर्ड पॉइंट, उनके पास 24 points ऑलरेडी है। मतलब चिकन डिनर प्लस 4 points आप लगा सकते हो, बट उनकी किल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उनको कंपनसेट कर रहे हैं। बट अब देखते हैं, इट्स अ 1v3 सिचुएशन, अकेले दलजीत बचे हैं, दे नो एग्जैक्टली कि दलजीत कहाँ छुपे हैं। दलजीत को एक नेक्स्ट लेवल मिरेकल, कुछ नेक्स्ट लेवल गेम परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर सर्कल उनके फेवर में है, यस दलजीत के फेवर में सर्कल है, एस्टेक के प्लेस को आना है। अब एक मुझे फ्रैग वीडियो की उम्मीद है, नो डाउट दिस अंडरडॉग टीम एस्टेक प्लेड सो गुड, बट ओआरबी के दलजीत के पास वो पोटेंशियल है कि ओ दिस इज अ स्मार्ट प्ले, ये ही करना चाह। देखिए गाड़ी लेके आ रहे, स्मोक करके आ रहे, डिस्टेंस इक्वल इन टाइम में जीरो कर दिया है, ओआरबी के दलजीत को स्पॉट कर रखा है, गाड़ी चलाने की कोशिश, दैट इज अ ब्रेव मूव। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑफ पोजीशन गेम दिखाया, दलजीत को बिल्कुल सराउंड कर लिया है, दलजीत ज्यादा देर कुछ नहीं कर पाएंगे। किल्सम ने यहाँ पर फाइनल किल निकाली, दलजीत को मारा, दलजीत की टीम सेकंड आती है और फर्स्ट पोजीशन पे चिकन डिनर टीम है यहाँ पर टीम एस्टेक। ओआर के चारों प्लेयर जिंदा है, वही सामने टीम गॉड लाइक, इट्स अ 4v3 सिचुएशन, इट्स अ ओल्ड राइवलरी बिटवीन मवी एंड द ओल्ड प्लेयर्स, ये काफी एक्साइटिंग होगा देखने में कौन सी टीम कैसे जीते। थोड़ी एडवांटेज ओआर के पास है जस्ट बिकॉज हाई एडवांटेज है और प्लस मैन एडवांटेज भी उनके फेवर में है। ये वाली बात हो गई, सॉरी टू कट यू क्रैड भाई, यहाँ पे जैसे कैरी और मावी लड़ते जॉर्ज पुल हमारे, बट अब यहाँ पे वो राइवलरी बन चुकी है, सामने मावी वर्सेज कैरी देखने को मिलेगा, जहाँ पे इनके पास एक हायर ग्राउंड है, स्मोक बॉल जिन लोगों ने ऑलरेडी सामने पॉप इन कर दिए हैं, एंड ये वाली फाइट मेरे ख्याल से इंटेंस होने वाली, बिकॉज इट विल बी 4v4 फाइट बिटवीन गॉडल एंड ऑरेंज रॉक। यहाँ पे मावी ने एक सबसे पहला फ्रैग निकाला है, स्मोकी ओपी को नॉकडाउन करा है, गॉडल इज 3-man स्क्वाड राइट नाउ, स्मोकी को यहाँ पे फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी, बिकॉज एक प्लेयर और वापस जाके पीछे रिवाइव हो गया, तो ये जो एडवांटेज है वापस से 4v4 में यहाँ पे स्पॉट हो गया, वापस से यहाँ पे एग्जिस्टेंस को नॉकडाउन करा, बहुत प्यारा यहाँ पे नॉक निकालता मावी ने, बट वो खुद भी नॉकडाउन होते हैं। अब देखते हैं कैसे गॉडल का स्क्वाड इस वाली फाइट को निकालेगा, ओआर का स्क्वाड यहाँ पे पूरा रशिंग करता हुआ, 3v4 फाइट, गॉडल का आखिरी प्लेयर बचा था गिल, एंड ऑरेंज रॉक इज गेटिंग अनदर चिकन डिनर विथ अमेजिंग किल्स, एलिमिनेट कर दिया, एंड रौनक को यहाँ पे नॉकडाउन करा वीरू ओपी ने विद M416, फर्स्ट एड यहाँ पे पॉप इन कर रहे हैं गिल, बिकॉज वहां पे उन्होंने डैमेज किया था किल कंफर्म करने के चक्कर में, फाइनल बॉस को यहाँ पे दिक्कत दी है, वापस से स्काउट ने नॉकडाउन करा उन्होंने, एंड सेवन सीज को यहाँ पे अपने वेयरहाउस में आने नहीं दे रहे फनाटिक का स्क्वाड। वीरू नीचे भले डैमेज लेके बैठा हुआ, रिवाइव देने के लिए जाएगा, मेरी ख्याल से ही इज क्लोजिंग इन, एंड दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन, एंड वही एस्टेक ने वहां पे नॉकडाउन करा, बट दीक्षा ऊपर आया एंड ही वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सेवन सीज ई स्पोर्ट्स हैज बीन एलिमिनेटेड, एंड फाइनल के लिए यहाँ पे निकाला फनाटिक ओवेस ने, यहाँ पे बिल्कुल ही देखा ही नहीं उन्होंने, स्पाइडी ने अपने आपको हील का पीछे कवर फायर भी मिल रहा है, बट किल सम
वापस से गॉर्डन गिल को वहां पे नॉक डाउन कर दिया। गॉर्डन का स्क्वाड दिक्कत में, तो कैरी को यहाँ पे कोई आइडिया नहीं कि कहां से स्प्रे आ रहा है। अब ओवेंस ने उनको नॉक डाउन कर दिया पीछे, अगर वो एस्ट्रिक से बचे तो यहाँ पे फनाटिक के प्लेयर ने उन्होंने नॉक डाउन कर दिया। एग्जैक्टली, और अभी तक बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन चल रही है, कोई एक टीम से बचा तो दूसरी टीम वहां पे फायदा उठा जाती है। गॉर्डन के स्मोकी भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके, स्काउट ने यहाँ पे एस्ट्रिक के सेटिन को नॉकआउट करा, एंड यस जो प्ले जोन की मार थी वहां पे नॉटी बॉय को बाहर निकाल चुकी है। एस्ट्रिक के सेटिन का किल कंफर्म कर दिया स्काउट ने। फनाटिक के पास किल्स काफी ज्यादा हो चुकी होंगी, 6 किल्स ऑलरेडी है। यहाँ पे एस्ट्रिक पे अभी भी नजर है कि एस्ट्रिक किस तरीके से इस गेम में आगे बढ़ती है, बिकॉज अभी चार टीम्स बची, 8 प्लेयर्स बचे, तो हर टीम से कुछ चार तो नहीं है। फनाटिक अकेली टीम है जो 3 प्लेयर्स के साथ है, गॉर्डन का एक प्लेयर नॉकआउट है, तो वो बचाना भी बहुत जरूरी है। मिकाज स्मोकी नॉकआउट एग्जिस्ट उनको रिवाइव करें, बट पीछे से टीम फोरियर का एक अकेला प्लेयर दबे पांव राज एफटीडब्ल्यू फॉर द विन आ रहा है। बट यस, राज ने स्पॉट किया, स्मोकी को नॉकआउट कर दिया एंड ही कंप्लीटेड द होल स्क्वाड। ओह व्हाट अ क्लच डूड, इन्होंने गॉडले के पूरे सपने तोड़ दिए। 9 किल्स के साथ गॉडले खत्म करेगी, बट फिर भी अच्छे खासे पॉइंट्स उनके हिस्से में। अब फनाटिक के जीतने के चांस मेरे हिसाब से काफी बढ़ चुके हैं, बिकॉज इनका पहला चिकन डिनर होगा वो, बिकॉज अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टेड है। बट यहाँ पे किल्स हमने किल निकाला, एंड यहाँ पे अगर आप देखो कि एस्ट्रिक ईस्पोर्ट्स के पास ऑलरेडी 10 किल है इस वाले मैच में, एंड क्लोज एनकाउंटर फाइट यहाँ पे होने वाली है। एंड किल्स हम वहाँ पे एडीएस देते हुए स्काउट को थोड़ा बहुत डैमेज दिया था। इट विल बिकम आई थिंक 2-3 जहाँ पे स्पाइडी इस वाले कंपाउंड में अकेले, तो फनाटिक यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में पुश कर सकते हैं अगर उन लोगों को अलाइव अगर उन्होंने थोड़ी बहुत रीड करी, बिकॉज 3 प्लेयर वो खुद हैं एंड बाकी 2 प्लेयर स्काउट को सामने से एडीएस दे रहे थे किल्स, एंड वहाँ पे उनको पता चल जाना चाहिए कि स्पाइडी इस वाले कंपाउंड में अकेले हैं। सो दे कैन रश एंड दे कैन मेक दिस 1-3 एट द एंड ऑफ द डे। बट अब देखते हैं, रौनक ने यहाँ पे स्मोक भले ही बनाया, बट एक यहाँ पे वो शायद से फ्लैशबैंक मारने की कोशिश करेंगे, जस्ट एक ट्राई थ्रोएबल्स का यहाँ पे यूज करते हुए, जस्ट इन केस क्या पता वहाँ पे फ्लैश हो भी जाए। बट किल्सम वहाँ पे एक बेहतरीन एडीएस देते हुए वहाँ पे स्काउट ओबी को वहाँ पे बहुत प्यारा नॉकडाउन करा किल्सम ने, 2 प्लेयर अंदर घुसे हैं वहाँ पे स्काउट को यहाँ पे फिनिश करते हुए। एंड स्पाइडी अगर वहाँ पे फनाटिक के एक प्लेयर को नॉकडाउन कर देंगे तो मेरे ख्याल से चोक हो सकता है यहाँ पे फनाटिक के स्क्वाड से। ओएस एंड रौनक 2 प्लेयर बचे यहाँ पे फनाटिक के, एंड स्पाइडी वापस से किल्सम की साइड पे आते हुए, एंड क्या यहाँ पे ओएस एंड रौनक अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे। रौनक वहाँ से टीपी भी लेता हुआ, किल्सम इस वाले कंपाउंड से टीपी भी लेते हुए, कि कोई एक प्लेयर यहाँ पे बेट करेगा या तो कोई एक प्लेयर यहाँ पे ग्रेनेड फेंकेगा। किल्सम यहाँ पे पहले से ही अभी टीपी भी लेके बैठा, स्पाइडी वहाँ पे ओके रौनक यहाँ पे बाहर आते हुए, मेरी ख्याल से ओवेस वहाँ पे उनको कवर फायर दे रहे जो कि अच्छा था, बट यहाँ पे दोनों ही प्लेयर बन एचपी होते हुए रौनक भी यहाँ पे मेरी ख्याल से फर्स्ट एड पॉप करेगा, एंड किल्सम भी ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम। बट रौनक यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप नहीं करी, बट किल्सम ने करी, एंड फनाटिक का ओवेस यहाँ पे नॉटर ले सका, बट यहाँ पे स्पाइडी निकालता हुआ चिकन डिनर। रौनक वहाँ पे फर्स्ट एड पॉप नहीं कर पाया, बट एस्ट्रिक ईस्पोर्ट एक बार फिर से चिकन डिनर लेके जाते हुई पीछे फाइनल बॉस रोटेट करते हुए दिख रहे थे, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और स्काउट ओपी ने यहाँ पे सेल्स एमजे का किल कंफर्म किया, गिल ने वहां पे रौनक को नॉकआउट कर दिया है, और सेल्स के रॉग भी गेम से बाहर हो चुके हैं। एश ने यहाँ पे 420 को मार डाला यहाँ पर, और अब फनाटिक लिए काम भी मुश्किल इसलिए हो सकता है, एक नॉकआउट है, स्कॉट काफी ऑफ पोजिशन में हो सकते हैं, काफी दूर से वो खेल रहे हैं। बट सेवन जो सेवन सीज के फाइनल बॉस है, ही इज टेकिंग दैट ब्लू जोन डैमेज, बट ज्यादा दे नहीं बच पाएंगे। एल्स सातवें पोजीशन पे निकलती है 2 किल के साथ। बट अब फनाटिक का स्क्वाड रौनक वहां पे थोड़ा सा प्रोन डाउन जब हुए, वहां पे गिल ने चांस उठाया वहां पे, डीएमआर मिनी 14 से वहां पे उनको नॉकडाउन करा, एंड रिवाइव मिल गया यहां पे एश की तरफ से। बट अब कैरी सामने स्पॉट हुए, स्काउट ओपी के स्प्रे से स्मोकी को भी उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, बट स्काउट एंड उनकी टीम को यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा। बट अब गॉडल का स्क्वाड सामने से बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका है, फर्स्ट एड किट यहाँ पे पॉप करनी बहुत जरूरी है, प्लस यहाँ पे जोन का डैमेज पड़ेगा, वो चीज बाद में हो पाएगी, बट स्टिल ही हैड टू गो टू द जोन, एंड यहाँ पे इस वाले ट्री का कवर लेके ही कैन पॉप अ फर्स्ट एड ओवर हियर, ही कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर। बट यहाँ पे उनकी स्क्वाड को दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे एश ने यहाँ पे फाइनल बॉस को खत्म करा जो कि जोन के बाहर थे, एंड यहाँ पे इंटेंस एंड सेवन सीज का स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए इस वाले मैच से। स्काउट ओपी का यहाँ पे किल मिलता हुआ उन्हें जाल के रूप में, फनाटिक यहाँ पे 9 पॉइंट्स के साथ 3-man स्क्वाड फाइनल सर्कल में जाती हुई, जो कि मेरी ख्याल से 2 टीमें बची हुई यहाँ पे, एंड 2v3 सिचुएशन है ओआर वर्सेस स्काउट, एंड उनका पूरा स्क्वाड जिंदा है। एंड देखते मेरी ख्याल से फनाटिक के लिए ग्रीन लाइट है यहाँ पे इस वाले मैच में चिकन डिनर निकालने की। जो फाइनल जो मैच था हमारा लास्ट वाले सर्कल का, यहाँ पे वही सेम सिचुएशन बनती हुई 2v3 की, क्या फनाटिक वाला मैच चिकन डिनर निकालेगी। रौनक का यहाँ पे एक लेफ्ट फ्लैंक आता हुआ, स्मोक बॉल उन्होंने बनाया है रॉक का पीछे से कवर लेते हुए, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से दलजीत के ऊपर उन्होंने एडीएस डाल, बट वहाँ पे शॉट नहीं करा, एक फर्स्ट एड वहाँ पे एक ग्रेट वहां पे उनको लूटने के मिली, मावी यहाँ पे प्रोन डाउन है, बट एक फर्स्ट नॉक इसको आता है, बट यहाँ पे स्काउट का राइट हैंड साइड से फ्लैंक, एंड मावी नॉक देम आउट, एंड दिस विल बिकम 2-2 सिचुएशन फॉर ओआर।
एंड फनाटिक एज वेल. एश को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, बट अब फनाटिक के प्लेयर कुछ ज्यादा ही यहाँ पे स्प्लिट है. बट एक अच्छी चीज है, यहाँ पे स्काउट कवर में चले गए थे, कुछ ऑफ गार्ड नहीं पाए गए, जहाँ पे फिनिश नहीं हुए. एश यहाँ पे आके उनको रिवाइव दे सकते हैं, वापस से 3-2 सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है. बट यहाँ पे रौनक नॉकडाउन होते हुए वापस से वहां पे उनको सिर्फ अपनी पोजिशन होल्ड करनी थी थोड़ी देर तक, बट यहाँ पे ओआर का स्क्वाड बहुत प्यारा खेला. दलजीत यहाँ पे अपनी राइट साइड पोजीशन संभाल चुके हैं. दिस विल बिकम 2-2 सिचुएशन अगेन. स्काउट यहाँ पे फोर्स्टेड पॉप इन कर चुके हैं. एश है सामने उस वाली रोड साइड पे. मेरे ख्याल से स्काउट के पास फोर्स्टेड नहीं है, एंड एक मोलोटो बहुत प्यारा यहाँ पे ट्राई करा है मावी ने, बट थोड़ा सा शॉर्ट रह गया वहां पे. स्काउट से थोड़ा सा और आगे रहता तो मावी वहां पे को नॉक निकाल सकते थे. एश सामने स्पॉट हो चुके हैं, स्काउट ने यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन करे. देखते फाइनल स्टेजेस में हम लोग आ चुके हैं इस वाले मैच में, जहां पे रौनक क्रॉल इन कर रहे हैं. कहां पे अगर शायद एश वहां पे उस वाले रॉक तक पहुंच जाते तो रौनक को वहां पे रिवाइव मिल सकता है. फिर से 3-2 सिचुएशन, बट यहाँ पे मावी वापस से ट्राई कर रहे हैं. एश सामने से वापस से पीक कर रहे हैं, बट मावी वहां पे वो शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ क्रूशियल शॉट से. बट स्काउट यहाँ पे क्या ग्रेनेड यूज करेंगे, बट यहाँ पे स्काउट यहाँ पे आ चुके 1v1 फाइट के लिए. क्लोज एनकाउंटर एक एम यहाँ पे, बट मावी निकालते वाली 1v1 फाइट. वहां पे माइक्रो ओजी वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वापस से फनाटिक का भार एश के कंधों पे, क्या ये वाली फाइट एश निकाल पाएगा. बट मावी के पास माइक्रो ओजी, एश है, एश के पास यहाँ पे एक AKM है, and forced it, उन्होंने अभी तक पॉप इन नहीं करी है. क्या यहाँ पे वेट करेंगे, बट यहाँ पे एश को भी निकालें. ऑरेंज रॉक गॉट अनदर विनर, विनर चिकन डिनर.